उज्जैन बड़नगर तहसील के ग्राम पंचायत खरसोत खुर्द में गंभीर महामारी कोरोना वायरस के केस जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी और जब इन बढ़ते हुए केसों की जानकारी उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और जिला पंचायत के सीईओ अंकित अस्थाना को लगी तो उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परिवारों में गंभीर महामारी कोरोना वायरस के लक्षण है उन परिवार जनों को घर पर ही रखा जाए, उपचार व्यवस्था शुरू की जाए और गाँव के ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरपंच सचिव ने ऐसे परिवारों को घर पर ही रखा करीब 15 दिन तक और फिर उपचार व्यवस्था शुरू हुई। साथ ही दोनों टाइम देख कर और हाल चाल जानकर मरीज और मरीज के परिवार जन के सदस्यों का ध्यान रखा, जिसके परिणाम यह रहे कि आज जो मरीज गंभीर महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहे थे वह ठीक हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट में अब गंभीर महामारी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। वहीं करीब 15 दिन की मेहनत के बाद आंकड़ों में गिरावट हो गई है और अब काफी लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो चुका है। आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहले काफ़ी केस बढ़े हुए थे, अब किस प्रकार से वह कम हुए और किस प्रकार से प्रयास किए गए और किस प्रकार से क्या रहा? देखिए, जो कोरोना के लगातार जो हमारी पंचायत में बड़नगर क्षेत्र में सबसे अधिक केस आ रहे थे, लगभग 24 के लगभग केस पहुंच गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों के सतत भ्रमण और दिशा निर्देश के अनुरूप हमने हमारे पंचायत क्षेत्र में आइसोलेशन सेंटर बनाया और निरंतर गांव में भ्रमण करके हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जो ANM मैडम और हमारे सहयोगी पूरी टीम ने हमारे अच्छा प्रयास करा और अब लगातार अच्छी समझाई दी गई, सबको होम क्वारंटाइन किया, सबको नियमित उपचार के लिए भेजा। अब लगातार हमारे यहाँ जो कोविड के केस आज 7 एक्टिव केस थे आज की तारीख में और कल माननीय SDM साहब और एडिशनल SP और हमारे तहसीलदार महोदय और हमारे मुख्यालय अधिकारी महोदय और हमारी पूरी प्रशासनिक टीम द्वारा और पूरे डॉक्टर वगैरह पूरी टीम ने गांव में भ्रमण किया और हमारे जो हमने आइसोलेशन सेंटर जो बनाया था उसको अभी कोविड केयर में तब्दील कर दिया है। हमने कल से हमारे जो हमारा शासकीय जो कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें हमने अब कोविड सेंटर स्थापित कर दिया है। अब जो लगभग जो हमारे जो 10 गांव के जो भी पेशेंट रहेंगे वो हमारे कोविड सेंटर में रहेंगे और हमारे गांव के लोग निरंतर अच्छी सेवा दे रहे हैं सेंटर में भी। और अब लगातार जो हमने जो पूरे एक सप्ताह तक पूरा लॉकडाउन रखा था हमारी पंचायत को, अब बिल्कुल उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है और अब हमारे यहाँ आज कोई भी ऐसे कोई केस एक्टिव नहीं आए हैं और जो भी अभी लगातार जो है तंदुरुस्त हो रहे हैं वो अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।